जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कई डिफेंस पेंशनर्स का डीआर अमाउंट यानी कि डियरनेस रिलीफ उनकी पेंशन से काट दिया गया। उनके खाते में स्पर्श पीसीडीए की तरफ से केवल बेसिक पेंशन ही क्रेडिट की गई, जबकि स्पर्श पीसीडीए किसी भी पेंशनर का डियरनेस रिलीफ नहीं काट सकता जिसके लिए कि यह लागू ना हो। इसके प्रॉपर रूल बने हुए हैं, सर्कुलर जारी किए हुए हैं कि पेंशनर का डीआर आप नहीं काट सकते क्योंकि ये उनको लागू है। फिर ऐसा क्या हुआ कि स्पर्श पीसीडीए ने कई डिफेंस पेंशनर्स के डीआरएनएस रिलीफ को काट दिया है और केवल बेसिक पेंशन ही उनके खाते में क्रेडिट की है? तो क्या यह स्पर्श पीसीडीए की गलती है कि बिना आपको इन्फॉर्म किए, बिना आपको जानकारी दिए हुए आपका डीआरएनएस रिलीफ काट दिया गया? और कई डिफेंस पेंशनर नाराज भी हैं कि बिना कोई मौका दिए हमारा डीआरएनएस रिलीफ काट दिया गया। इसी संदर्भ में प्रसन्ना चहल जी लिखते हैं कि सर मेरे को पता नहीं है कैसे रीएम्प्लॉयमेंट फॉर्म सबमिट करना है। मैंने गलती से रीएम्प्लॉयमेंट फॉर्म को सबमिट किया, मेरा डीए काट लिया, मेरे को गलती रेक्टिफिकेशन का मौका देना चाहिए था, क्या करना है सर थोड़ा बताएं। दूसरा कमेंट मैं आपको दिखाता हूं। अनूप सिंह जी लिखते हैं जय हिंद सर, सुनने में आ रहा है कि YouTube में सुना है कि री एम्प्लॉयज को डबल डीए नहीं मिलेगा, क्या सही बात है? अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है, जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जाता है तो उसमें एक डिक्लेरेशन आता है री एम्प्लॉयमेंट का, उसमें यस या नो करना पड़ता है। कुछ डिफेंस पेंशनर जिनका जो है री एम्प्लॉयमेंट हो चुका है यानी कि पेंशन आने के बाद में उनकी नौकरी लगी है जहां पर उनको डीए भी मिलता है, तो उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के दौरान उसे यस कर दिया और उसे सबमिट कर दिया, तो ऐसे डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श पीसीडीए की तरफ से डीआर को रोक दिया गया, यानी कि जो उन्हें महंगाई राहत मिलती थी उसे रोक दिया गया और केवल जो है बेसिक पेंशन ही उनके खाते में क्रेडिट की गई। अब देखिए उन्होंने तो ईमानदारी से डिक्लेरेशन दिया था कि उनकी रीएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, लेकिन स्पर्श पीसीडी ने उनका डीआर ही काट लिया। जबकि पहले क्या होता था, जो रीएम्प्लॉयमेंट एक्सर्विसमैन होते थे बैंक में जाते थे और उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट अलग से लिया जाता था, लेकिन उनका डीआर बैंक ने कभी नहीं काटा। तो दोस्तों ऐसे पेंशनर जो रीएम्प्लॉयड हुए हैं और उनका जो है डीआर उनके पेंशन से काट लिया गया है, तो उनको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि पीसीडीए की तरफ से दो सर्कुलर 179 और 200 ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नहीं भी मिलता है तो आप जो है मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं इन दोनों सर्कुलर के पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि उसमें जो है जो ए क्लास अधिकारी हैं उनका अगर रीएम्प्लॉयमेंट होता है तो उनको केवल एक ही फैसिलिटी मिलेगी, या तो डीआरएनएस रिलीफ मिलेगा पेंशन से, या फिर जो है उनको रीएम्प्लॉयमेंट से डीआरएनएस अलाउंस मिलेगा। लेकिन ए क्लास अधिकारियों से नीचे के जितने भी पेंशनर हैं उनको रीएम्प्लॉयमेंट सर्विस से डीए भी मिलेगा और पेंशन से डीआर यानी कि डीआरएनएस रिलीफ भी मिलेगा। हाँ, इसमें इतना जरूर है कि ए क्लास से नीचे जो भी रीएम्प्लॉयमेंट होते हैं और उनको जो है रीएम्प्लॉयमेंट के दौरान पे प्रोटेक्शन का फायदा मिला है तो उनको जो है डीआर नहीं मिलेगा, और ये चीजें प्रॉपर इन सर्कुलर में लिखी हुई हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करके ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं कि आपको डीआरएनएस रिलीफ भी मिले और डीआरएनएस अलाउंस भी मिले, तो इसको आपको जो है प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करना होगा स्पर्श पीसीडीए को। वो किस प्रकार से करना है, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई लिंक भी देख रहे होंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो में पहुंचाएंगे कि आपने अपना रीएम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट किस प्रकार से स्पर्श पीसीडीए को करना है। तो दोस्तों अगर ये सारी कार्रवाई आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जो आपका डीआर काट लिया गया है वो भी आपको एरियर के तौर पे मिल जाएगा और आपका डीआर और डीए रीएम्प्लॉयमेंट के दौरान जो मिल रहा है वो प्रॉपर तरीके से जारी रहेगा इन नियमों के अनुसार। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जानकारी भरी लगी होगी, अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चाहे तो अपने पॉइंट्स कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।